हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉय मुकेश। में गाइस, अगर आप भी जो है वीओ वाई 15 का फोन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आप यहां पे अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो वीओ वाई 15 ने जो हमें नया वर्जन अब दिया है वो है 1.53.2 है। सो गाइस, वीओ वाई 15 ने हमें क्या न्यू फीचर दिया है इसके बारे में चलिए हम आगे जान लेते हैं। गाइस, हमने जो है अपना फोन जो है ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को बता दे रहे हैं इसमें कौन कौन सा नया फीचर मिला है, तो वीडियो के साथ एंड तक गाइस बने रहिएगा। तो गाइस, आप यहां पे सबसे पहले देखिए हमें जो है सिस्टम में चेंजिंग देखने को मिलती है। यहां पे देखिए इम्प्रूव्ड फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर एनहेंस फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग, यानी फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव गाइस कर दिया गया है, पहले से बेहतर बनाया गया है। साथ ही गाइस, आप यहां पे नीचे देखेंगे तो दिया है ऑप्टिमाइज द लॉजिक बिहाइंड एडजस्टिंग द ब्राइटनेस टू मेक चेंज इन ब्राइटनेस स्मूथर एंड मोर नेचुरल। गाइस, यानी कि कहने का मतलब जो है आपके ब्राइटनेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथर और नेचुरली बनाया गया है इस जो है नए अपडेट में। गाइस, आप यहाँ पर ब्लूटूथ में भी देखेंगे चेंजिंग है, ऑप्टिमाइज द सेटेबिलिटी ऑफ द ब्लूटूथ केयर किट कनेक्शन ऑफ फिक द इशू ऑफ ओरिजिनल ब्लूटूथ डिसकनेक्शन इन क्रेटिन फॉर मॉडल्स। गाइस, कहने का मतलब हमारा जो है ब्लूटूथ का जो है पावर जो है एकदम काफी ज्यादा हाई कर दिया गया है। इसमें जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम जो थी उसको जो है फिक्स कर दिया गया है। इसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्शन को काफी ज्यादा हॉट किया गया है। गाइस, आप यहां पे साथ ही साथ देखेंगे नेटवर्क में भी चेंजिंग की गई, ऑप्टिमाइज इंटरनेट कॉल परफॉर्मेंस इन सम एरिया। गाइस, कहने का मतलब आपके जो है इंटरनेट कनेक्शन को कुछ एरियों में काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज जो है अनुकूलित कर दिया गया है। कुछ एरियों में आपके जो है नेटवर्क जो है वो सही से नहीं चलते थे, इंटरनेट सही से नहीं चलता था, उनको प्रॉब्लम इसी को जो है फिक्स कर दिया। गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे कैमरे में जो चेंजिंग दी गई, साथ ही साथ गाइस कैमरे में भी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्टिमाइज फोटो इफेक्ट ब्रेटिंग मोर लाइफ इनटू ईच फ्रेम। गाइस, कहने का मतलब आपके फोटो इफेक्टों को काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेमों को ऐड किया गया है आप अपने फ़ोन में एडिटिंग कर सकते हैं जो कि आपके सिस्टम के साथ ही रहेगी। तो गाइस, आप यहां पे देखेंगे कॉटन में दिया है नंबर वन पे है दिस अपडेट डज नॉट डिलीट और मॉडिफाई योर यूजर डाटा। आपके ये अपडेट जो आपके यूजर डाटा को बिल्कुल भी जो है डिलीट नहीं करेगा। और नंबर सेकंड पे है द सिस्टम अपग्रेड डज नॉट ऑक्यूपाई द फोन मेमोरी स्पेस एंड डज नॉट इफेक्ट द रनिंग स्पीड ऑफ फोन। ये जो सिस्टम अपग्रेड आपके फोन के रनिंग स्पीड पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो गाइस, यहाँ पे नंबर थर्ड पे देखेंगे दिया है ड्यूरिंग द अपग्रेड प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द फोन विल राइज शॉर्टली फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड विल रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर द अपग्रेड इज कम्प्लीट। गाइस, कहने का मतलब जब आप अपने फ़ोन का अपग्रेड करते हैं तो आपके फ़ोन का अपग्रेड जब करने पर तो थोड़ा आपके फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट जब आप अपना फ़ोन अपग्रेड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है फ़ोन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।